ये बनाते हैं आज हम कीमे के कोफ्ते। इसके लिए हमने एक पाव कीमा लिया है, इसमें हम एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी हल्दी, नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें आप, एक चम्मच लाल मिर्च। इसके लिए हम एक चम्मच बेसन को तवे पे सेक लेंगे, फिर इसमें मिलाएंगे, उसकी फिर गोलियां बना के हम उसको फ्राई करेंगे, फिर मसाला भून के हम अपने कोफ्तों को बनाएंगे। आगे की प्रोसेस हम आपको बताते रहेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा सा खुशबू आने तक भुनाई करें, एकदम लाइट ब्राउन करना है। आप चाहे तो इसे बेसन सेक के भी डाल सकते हैं, और जैसे चने भुने हुए आते हैं उनको हम छील के पीस के भी डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, दोनों फॉर्म में हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसन होता है वो चने की दाल का ही होता है, तो दोनों डाल सकते हैं हम, जो हमारे लिए आपके लिए आसानी लगे आप वो करिए, या तो चने ला के उसको पीस के एक डिब्बे में रख लीजिए, जब भी आप बनाएं कोफ्ते वगैरह तो उसमें से एक चम्मच डाल दीजिए, उससे हमें रोस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही सिके हुए रहते हैं। बस हम अगर बेसन डालेंगे ना तो बेसन को हमें रोस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सिका हुआ नहीं रहता, उसकी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसको डालने जा रही हूँ, इसको हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, जिसमें हम अपना पुदीना डाल देते हैं। इसमें पुदीना डालने से कोफ्तों में एक अलग सी महक आती है, खुशबू आती है पुदीने की, तो वो एक टेस्ट को अलग बढ़ा देता है। तो हम थोड़ा सा पुदीना डालने जा रहे हैं, सूखा पुदीना, थोड़ा सा उसको मसलू के चूर करके डालें तो हमारी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। एक चीज और, हम गर्म मसाला भूल गए हैं तो हम गर्म मसाला डाल देते हैं, ये सॉरी गर्म मसाला। अब ये हो चुका है, अब इसको मसल के अच्छे से हम गोलियां बना लेंगे। ये मिल गया है, एक अंडा लेंगे, बस इसकी हम जर्दी जर्दी इसके अंदर डालेंगे। देखिए सिर्फ हम जर्दी डालने जा रहे हैं इसकी, इससे हमारे कोफ्ते ना बिगड़ेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, एकदम से लेवल में रहेंगे। हम जैसा सेप देंगे इनको वैसे ही सेप में ये हमारे रहेंगे। ये देखिए मिल गया है, अब हम गोलियां बना लेते हैं। जितनी छोटी बड़ी आप बनाना चाहें, देखिए 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 हमारी बन गई है, एक पाव में हमारी 10 कोफ्ते बन गए हैं। अब हम तेल चढ़ाने जा रहे हैं, इसको फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम गोलियां डाल दें, सारी आ गई हमारी लाइट ब्राउन, फ्राई करना हमें ज़्यादा, इसको टाइट नहीं करना है। अब हमने इनको पलट दिया है, देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनका मसाला बनाते हैं, मसाला ग्रेवी, यू नो ग्रेवी बनाते हैं इसकी, तो इसको ग्रेवी में हम इसको निलाएंगे, फिर 2 सीटी लगाएंगे, फिर अच्छे से धनिया डाल के और गरम मसाला डाल के हम सर्व करेंगे। बनाने जा रहे हैं, तेल डालेंगे, तेल गरम हो चुका है, 2 इलायची के साथ हम 1 प्याज डाल रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक का मसाला डालेंगे, लगाव भी डाल देंगे, फिर 2 चम्मच दही डालेंगे। डालने जा रहे हैं मसाले, हल्दी, नमक, थोड़ा धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी 1/2 चम्मच धनिया होगा, और
अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। ये बुन रहा है, हम थोड़ा गरम मसाला डाल देते हैं भुनने में ही, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। इसमें पानी डालेंगे, एक उबाल आ जाए फिर हम अपने कोफ्तों को इसमें डाल के दो सीटी लगाएंगे। उबाल आ गया है, हमारे कोफ्ते दाल में जाने हैं। सीटी लगा दी हमने, दो सीटी देंगे कोफ्ते। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल के इसको सर्व कर लिए। देखिए हमारा रेडी हो गए हैं कोफ्ते, बहुत अच्छे बने। एक बार ट्राई ज़रूर करें आप। थैंक यू।